हाय एवरीवन, तो फाइनली इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का फाइनल अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि कितना एक्साइटमेंट भरा फाइनल था। एक रोलर कोस्टर राइड, कभी साउथ अफ्रीका जीत रही थी और कभी इंडिया जीत रही थी। और एक वक्त तो ऐसा लगा कि भाई 2023 का वर्ल्ड कप रिपीट हो रहा है। साउथ अफ्रीका हमसे मैच छीन ही ले गया था, बट इंडिया ने क्वालिटी कमबैक किया और ये ट्रॉफी फाइनली अपने नाम करी। लेकिन दोस्तों, इस वर्ल्ड कप की जीत के बहुत सारे पहलू हैं जो हमारी एस्पिरेंट लाइफ में बड़े काम आने वाले हैं, और आज इस वीडियो में हम उन्हीं पहलू को डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे साथ हैं एक बहुत ही बड़े रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के एक्सपर्ट अंचित सर। सर बड़ा मत बोलिए, मेंटोर है। राइट सर, तो सर मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा कि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है। सर इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। देखिए, जब भी किसी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है, जैसे अभी RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई है, तो स्टूडेंट्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, दे एक्चुअली गेट कन्फ्यूज्ड और डिप्रेस्ड कि अब कैसे होगा, कम टाइम है। तो मैं सबसे पहले आपको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। 40 ईयर्स ओल्ड, बहुत बड़ा हूँ आप लोगों से, जो मेरी लर्निंग है लाइफ से, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, ब्रीद एंड इन्जॉय द लाइफ अराउंड यू। You will see that there is lot of gratitude that you should have towards your life. और बाकी इस वीडियो के थ्रू आई जस्ट वॉन्ट टू मोटिवेट पीपल के जो इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की स्टोरी रही है, जो एक जर्नी रही है, हम जानते हैं दैट टीम इंडिया एज अ टीम हैज़ बीन थ्रू लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। टेस्ट चैम्पियनशिप हारे, वर्ल्ड कप का फाइनल हारे इंडिया में, वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे हम जीतेंगे। उसके बाद coming from there and winning this, I mean that's a big thing. As individuals also, they have been through a lot. Hardik Pandey ko kitna troll kiya gaya, Virat Kohli ki performance pe question uthaye gaye. So overall agar aap dekhenge, isse hame bahut kuch seekhne ko milta hai jo hum discuss karenge. Aur shayad India mein hame cricket samajh aati hai to cricket se hi samajh lete hain. और आगे क्वेश्चन पूछने से पहले मैं सबसे पहले कुलदीप सर को बधाई देना चाहूँगा, और मुझे भी आप बधाई दीजिए, क्योंकि हम दोनों क्रिकेट के बहुत बड़े फैंस हैं और ये जीत हमारे लिए बहुत मायने रखती है। एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो, एज अ नेशन ऑल्सो, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। राइट सर। और सर वो 19 नवंबर का सदमा, ये 29 जून वाले जो विक्ट्री है उसने पूरा वॉश आउट कर दिया और बहुत खुशी हुई हम सबको। हाँ जी। तो सर आपने बोला कि हम इस जीत के पहलू को से बहुत सारी लर्निंग्स लेते हैं, तो सबसे बड़ी लर्निंग ऐसी क्या ली हमने इस वर्ल्ड कप से? सर सबसे बड़ी लर्निंग तो यही है जो एक लाइफ का लेसन है, नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। आप खुद ही देख रहे होंगे मैच में कि 30 बॉल्स, अराउंड 30 रन रह गए थे, बहुत लोगों ने टीवी बंद कर दिए थे, मैं तो चिपका हुआ था, मैंने बंद नहीं किया, मैंने कहा चलो एक बार और हारते देख लेते हैं, कुछ सीखेंगे। और उस टाइम टीम इंडिया का क्या माइंडसेट होगा, मतलब जैसे कि आप रोहित और विराट से भी सुन चुके हैं दैट दे हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट दे विल फाइट टिल द लास्ट बॉल। उनको पता था कि अभी बहुत सारा हार चुके हैं, टेस्ट चैंपियनशिप हार चुके हैं, वर्ल्ड कप हार चुके हैं, बहुत सारी लर्निंग होनी थी जो हो गई है, अब जीतना पड़ेगा। दूसरे नंबर वाले को कोई नहीं पूछता है ना, सिर्फ पहले नंबर वाले की ट्रॉफी याद रहती है। सो दे आर डिसाइडेड कि हम गिव अप नहीं करेंगे, और उसका रिजल्ट हमने देखा। शायद हार भी जाते, मैं ये नहीं कह रहा कि नेवर गिव अप से आप हमेशा जीतोगे, शायद हार भी जाते, हारे भी हैं पहले, बट अल्टीमेटली ऐसे क्रंच मैचेस में यू विल सी द रिजल्ट्स एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम इफ यू हैव दैट एटीट्यूड। और यही चीज स्टूडेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। आई नो इट्स वेरी टफ, यू हैव टू बी मेंटली वेरी टफ। लोग बोलते हैं जी सिर्फ 200 सीट्स हैं, मेरा कैसा होगा? अरे वर्ल्ड कप तो एक ही ट्रॉफी है ना, वो भी मेन वर्ल्ड कप 4 साल बाद, T20 2 साल बाद, हर साल भी नहीं आता है। तो सीट्स कितनी हैं, आप एवरेज कॉलेज से हैं, आपका एवरेज बैकग्राउंड है, आप जल्दी शुरू कर रहे हैं, लेट शुरू कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज नॉट ऑफ मच कॉन्सिक्वेंस। द मेन थिंग दैट यू नीड टू डिसाइड एट योर लेवल इज दैट डू आई रियली वॉन्ट टू गिव दिस एग्जाम, एंड इफ येस, Do I have that intent and passion inside me that I'll give my not even 100%, I would say 1000%, because that is going to decide your career for the next 30 years. So never ever give up. Hurdles aayengi, sab kuch hoga yaar, kisi ki life smooth nahi hai, bade se bada banda hai na, wo bhi matlab jooj raha hai life mein kahin na kahin. So you just need to be going on your ride. There would be roller coasters, but eventually if you build that, you know, attitude inside you, you will succeed. सर आपने नेवर गिव अप की बात करी,
लेकिन जो हमारी सोसाइटी है ना, ये हमें बार बार याद दिलाती है कि तू किसी काबिल नहीं है। हमारे फेलियर्स हमें बहुत बार रिमाइंड करवाए जाते हैं और हमारी जो कैपेसिटी है उस पर शक किया जाता है। तो क्या वर्ल्ड कप में कोई ऐसी लर्निंग है जो इस चीज़ से डील करती है? सर, लर्निंग एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा, पर ये जो नेगेटिविटी है हमारे अराउंड, इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि नो चैनलाइज दैट नेगेटिविटी अराउंड यू एंड गेट मोटिवेटेड फ्रॉम दैट। कि जो भी मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनका वर्बली जवाब नहीं दूंगा, मैं अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दूंगा। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट वी सॉ इन दिस वर्ल्ड कप इज ऑफ हार्दिक पांड्या। ही वॉज ब्रूटली ट्रोल्ड आफ्टर दैट मुंबई इंडिया कैप्टेंसी इंसिडेंट। उनके फैंस भी उनके खिलाफ हो गए थे, बाकी लोग तो छोड़ो कि ये बंदे को, ही डजंट नो हाउ टू प्ले, ही इज नॉट अ परफॉर्मर, ही इज एरोगेंट एंड ऑल दोज काइंड ऑफ अब्यूसेस वर काइंड ऑफ थ्रोन एट हिम। बट उस बंदे ने कभी भी वर्बली किसी को कुछ जवाब नहीं दिया। ही फोकस्ड ऑन हिज गेम, ही कंसंट्रेटेड ऑन हिज गेम, बिकॉज ही न्यू दैट ओनली थ्रू माई परफॉर्मेंस आई कैन साइलेंस माई क्रिटिक्स। सो दैट इज द वे, नो यू शुड ऑल्सो रिएक्ट टू दी पीपल थ्रू योर परफॉर्मेंस। और हम तो बहुत छोटे हैं यार, इनको देखो किस हाइएस्ट लेवल पे खेल रहे हैं, वहां पे ट्रोलिंग होना, और वो भी आप एक मैच विनर रह चुके हो, लोग आपको भगवान मान चुके हैं और फिर आपको किस तरह गिरा रहे हैं, उसके बाद कमबैक करना, इट्स नॉट ईजी। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। थोड़े दिन पहले एक लड़की का मुझे फोन आया, शी वॉज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस इन मध्य प्रदेश। शी वॉज अ डाई हार्ड फैन ऑफ नो आरबीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन, शी वॉन्टेड टू बिकम आरबीआई एस्पिरेंट, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। बट वही प्रॉब्लम के उसकी फैमिली में पेरेंट्स वर नॉट मच एजुकेटेड, तो जो भी अंकल आंट थे जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, पेरेंट्स यूज टू टेक एडवाइस फ्रॉम देम एंड एवरीबडी यूज टू से, यार इससे नहीं होगा यार, ये कहाँ कर लेगी, ये तो बहुत मुश्किल एग्जाम है, ये तो क्लर्क का एग्जाम निकाल ले, बहुत बहुत बड़ी बात है, आप इसको कहाँ आरबीआई में डाल रहे हैं, 4 साल बर्बाद कर देगी, कुछ निकलेगा नहीं। बट दैट गर्ल हैड दैट पैशन इनसाइड इट। इन फैक्ट इतना कुछ सुनने के बाद भी वो कह रही थी कि सर मुझे तो यही करना है, मैं डिसाइड कर चुका हूँ। सो दैट इज द काइंड ऑफ नो मोटिवेशन, पैशन, इंटेंट यू शुड हैव इनसाइड यू, के बाहर वालों की बातें आपको जरा भी फर्क नहीं डालती हैं, बट यू शुड बी एबल टू असेस योर सेल्फ गुड वाइजली, बेवकूफ़ी नहीं करनी। और ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको क्रिटिसिज्म ना मिला हो, जो लोग ऊपर गए हैं सबको क्रिटिसिज्म मिला है, सबने अपनी परफॉर्मेंस से दे हैव हैंडल्ड द क्रिटिसिज्म, सबने बहुत पापड़ बेले हैं, सबने बहुत मेहनत की है, लाइफ हैज नेवर बीन ईजी टू ऑल द पीपल हु आर एट ग्रेटर हाइट्स टूडे, सो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, गेट यूज टू इट। आप आरबीआई ऑफिसर बनेंगे, वहां आपकी पॉलिसीज को और क्रिटिसाइज किया जाएगा, मे बी आप कोई ऐसी पॉलिसी बना दे उसको मीडिया शायद और क्रिटिसाइज करने लग जाए, न्यूज पेपर में आने लग जाए, बट इफ यू थिंक योर एनालिसिस इज राइट, गो अहेड विद इट, इफ यू थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक देन अपोलोजाइज, दैट्स द रूल ऑफ लाइफ। नहीं सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि शायद इस वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक पांड्या ने उतने नए फैन बना लिए होंगे जिन्होंने पहले लूज भी नहीं किए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द वे यू विन न्यू फैंस एंड द ओल्डर फैंस बिकम डाई हार्ड फैंस ऑफ यू नाउ। राइट। एंड सर, सोसाइटी से तो हम लड़ लेंगे बाय नॉट टारगेटिंग देम और उनको जवाब ना देके हम उनसे डील कर लेंगे, लेकिन कई बार ना हमें खुद पे डाउट होना शुरू हो जाता है कि क्या हम कैपेबल हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, और वो शायद सबसे खतरनाक होता है क्योंकि दूसरों से लड़ना आसान है लेकिन खुद से लड़ना बहुत मुश्किल है। तो क्या वर्ल्ड कप में इसके रिगार्डिंग भी कोई लर्निंग थी? सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कैपेबिलिटी क्या है। कैपेबिलिटी कोई ऐसा नहीं है कि हम जब जन्म लेके आए थे तो हमें कैपेबिलिटी दी गई थी। कैपेबिलिटी हैज़ टू बी एनहैंस्ड, इट हैज़ टू बी गेंड, इट हैज़ टू बी बिल्ट अप, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, है ना। इनमें से शायद कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जिसको पैदा होते ही डॉक्टर ने बोला था ये तो भैया हार्दिक पांड्या बनेगा या ये रोहित शर्मा बनेगा। दीज ऑल हैव बीन, दे ऑल हैव बीन थ्रू लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, बहुत घिसा है इन्होंने लाइफ में। तो सेल्फ डाउट का मैं बेस्ट एग्जाम्पल यही दूंगा कि आई मीन विराट कोहली का एग्जाम्पल लीजिए, मतलब आफ्टर सचिन आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर इंडिया हैज गॉट, लेजेंड, ही इज लेजेंड, मैच विनर, मतलब हम अभी भी याद करते हैं उनकी पारियां जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में जीती, पाकिस्तान के खिलाफ जो छक्के लगाए हैरिस रॉफ को। सो उतना बड़ा मैच विनर, उसको भी अपने आप पे सेल्फ डाउट हो रहा था वेदर आई एम फिट टू प्ले एट दिस लेवल, वेदर आई एम गुड एज अ ओपनर और नॉट, वेदर आई कैन डू दिस और नॉट। तो वो भी मतलब सीधा आसमान से सीधा जमीन के अंदर ही चले गए थे, अब ये भी मत बोलो कि जमीन पे थे, बट ही फॉट बैक, आई मीन ही न्यू दैट इट्स जस्ट वन इनिंग्स अवे, और अच्छी बात है कि हमारे कैप्टन ने भी उन पर भरोसा जिताया। एंड यू नो नो आफ्टर दैट मैच ही इज इवन अ बिगर हीरो आई वुड से, और वो इनिंग्स चाहे बहुत अटैकिंग ना हो, बट इफ यू अंडरस्टैंड दैट
नो रोल ऑफ दैट इनिंग्स इन द होल कॉन्टेक्स्ट, दैट वाज अ मास्टर इनिंग. शायद वो हैरिस रॉफ को दो छक्के मारने से ज्यादा जो उन्होंने यहाँ पे पेशेंस से खेला और अपने साथ वालों को बोला कि तू तोड़ भाई, शिवम दुबे को बोला तू मार भाई, तो दैट वॉज काइंड ऑफ नो कमिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस. तो यही है कि हमें बहुत बार सेल्फ डाउट होगा, बट जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं हम उनसे अपनी मिस्टेक्स को देखें और आगे की स्ट्रैटेजी बनाएं. और अगेन आई वुड लाइक टू से कि फेलियर्स विल कम. इफ़ यू सी एनी आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट हू हैज बिकम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, बहुत कम होंगे जिन्होंने फेलियर नहीं देखे. आई मीन यू सी दी वीडियोज, 5 बार ये एग्जाम दिया, 4 बार ये एग्जाम दिया, 3 बार आरबीआई दिया, देन ओनली दे वर एबल टू क्लियर इन द फोर्थ अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट. देर आर सम हू क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो. सो हर्डल्स विल कम. आप 5 बार फेल हो गए, इट्स ओके, हैव योर लर्निंग्स. उस 6th पंच में जब आप करेंगे डिलीवर अ विनिंग पंच, क्लियर दैट एग्जाम, देन पीपल विल जस्ट फॉरगेट अबाउट कि आपका 5 बार नहीं क्लियर हुआ था. पीपल विल ओनली रिमेंबर यू एज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. कोई नहीं पूछता कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हो, कितने अटेम्प्ट लगे थे, कोई नहीं पूछेगा. सब लोग ये बोलेंगे कि ये आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर है, ये आईएएस ऑफिसर है. तो अपनी मिस्टेक से सीखो, सेल्फ डाउट उसी से कम होगा. और सेल्फ डाउट मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब वही हवा में आई और कैच कर लिया और बोला कि ठीक है अब मेरा सेल्फ डाउट ठीक है. दैट विल एक्चुअली कैन बी ओवरकम इफ यू वर्क हार्ड एंड स्मार्ट एंड यू रियलाइज व्हाट शुड एक्चुअल स्ट्रेटजी बी. बिल्कुल सर, क्योंकि जब सेल्फ डाउट आता है तो आपको और मेहनत करनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि शायद वो एक राइट मोमेंट एक क्लिक अवे है. और आपने बिल्कुल सही बोला कि साउथ अफ्रीका की पूरी इनिंग में शायद विराट कोहली मिसिंग था, अगर कोई एंकर रोल प्ले करता तो शायद वो जीत जाते. बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक जो क्लासन खेल रहे थे एट दैट टाइम ही कुड हैव इजीली टेकन अ रोल कि ठीक है अभी रन बहुत कम रह गए, आई विल टेक दैट रोल एंड आई विल गाइड द टीम. बट वो अपनी मस्ती में थे, जो हमारे लिए अच्छा था. सर, जब हम T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो एक चीज जो हम मिस नहीं कर सकते वो है सूर्य कुमार यादव की कैच. मतलब दिल थमसा गया था. तो सर उस कैच से भी कोई लर्निंग है हमारी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है सर. इफ़ आई टॉक अबाउट क्रिकेट, मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू सी, इफ अ बैट्समैन कम्स ऑन द विकेट और अ बॉलर स्टार्ट्स बॉलिंग, द स्टैट्स विच आर शोन आर ऑफ बॉलिंग एंड बैटिंग. नोबडी टॉक्स अबाउट फील्डिंग, दो वी कीप सेइंग दैट फील्डिंग इज इंपॉर्टेंट, बट नोबडी शोज यू द स्टैट्स दैट हाउ ईच फील्डर इज बैड और अ गुड फील्डर. तो ऐसे ही जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं यार, मेन फोकस इज ऑन द मेन एरियाज कि मैं क्वांट पढ़ूंगा, मैं एफएम पढ़ूंगा, मैं ईएसआई पढ़ूंगा, मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, बट देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आर एक्चुअली क्रूशियल फॉर योर सक्सेस. फॉर एग्जाम्पल द मेन वन, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एवरीबडी नोज बट नोबडी इज एक्चुअली सेइंग. मुझे लोग कॉल करते हैं सर मैंने क्वांट कर लिया, एफएम कर लिया, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है व्हाट अबाउट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, वो तो नहीं की सर. व्हाट अबाउट मॉक टेस्ट, हम मॉक टेस्ट देने से डरते हैं या फिर मॉक टेस्ट को बिल्कुल ही रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए यूज करने लग जाते हैं. बोथ आर रॉन्ग. मॉक टेस्ट इज एक्चुअली अ वेरी गुड टूल टू हेल्प यू नो इंप्लीमेंट योर नॉलेज एंड गेन मार्क्स. तो जो ये फ्रिंज एरियाज हैं, मे बी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, इनको आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए. बिकॉज ऑन एग्जाम डे आप जितना भी पढ़ लें, अनलेस एंड अंटिल यू नो द एप्लीकेशन ऑफ राइटिंग, यू नो हाउ टू मैनेज टाइम, यू नो हाउ टू मैनेज योर एंग्जाइटी विच यू कैन लर्न थ्रू मॉक टेस्ट, you will never be able to perform. I mean, it would be a magic if you can perform without being good in these areas. बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल एकदम सही बोला कि ऑल राउंड परफॉर्मेंस चाहिए होती है. ये बिल्कुल वैसी ही कैच थी जैसी कपिल देव ने 1983 के वर्ल्ड कप में करी थी. बिल्कुल. उस टाइम जब विविन रिचर्ड आउट हुए थे और इस टाइम डेविड मिलर, दोनों ही खतरनाक थे बहुत. लेकिन सर इस वर्ल्ड कप में हमने एक और चीज़ देखी कि फैमिली का रोल बहुत स्ट्रांग था. मतलब जब जो लोग हारे वो भी फैमिली के साथ थे, जो लोग जीते वो भी फैमिली के साथ थे. तो क्या हमारी लाइफ में भी जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं फैमिली का रोल इम्पॉर्टेंट है? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सर. एंड इट्स नॉट अबाउट एग्जाम्स. आई थिंक हम ये सब कुछ कर ही क्यों रहे हैं, टू हैव अ गुड लाइफ एंड दैट लाइफ इज वोवन अराउंड आवर फैमिली. तो जब भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते होते हैं ये चीज़ तो और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस. इट्स अ रोलर कोस्टर राइड. एक मॉक टेस्ट दिया, अच्छा हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर एक मॉक टेस्ट में कम नंबर आ गए, उदास हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई तूने ये नहीं किया, हम डाउन हो गए. तो इट्स अ जर्नी फिल्ड विद इमोशंस एंड वी नीड अ प्लेस टू वेंट आउट आर इमोशंस वेयर वी कैन गो एंड रिलैक्स. और ये सोशल मीडिया पे तो मतलब बिल्कुल सब बनावटी है, कोई मतलब अपना नहीं है वहाँ पे. तो आई थिंक द बेस्ट प्लेस टू वेंट आउट योर इमोशंस एंड रिलैक्स इज द फैमिली. अब जितने भी बिजी हो, यू शुड ऑलवेज, इट्स नॉट अबाउट यू कैन, यू शुड ऑलवेज फाइंड आउट टाइम टू
नो हैव सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली. आप आधा घंटा खाने के वक्त ही सब कुछ भूल के बी विद दैट फूड एंड योर फैमिली एंड यू कैन रिलैक्स. आपके घर में अगर भाई बहन है उनके बच्चे हैं यू कैन प्ले विद योर नेफ्यू फॉर 15-20 मिनट्स इज द बेस्ट रिलैक्सेशन टेक्निक. और कुछ भी नहीं है तो यार अपने मम्मा के लैप में ना सर रख के बैठ जाओ 10 मिनट, मतलब पूरे दुनिया की शक्ति आपके दिमाग में आ जाएगी. यू विल फील सो रिलैक्स्ड. और उसके बाद रिलैक्स तो छोड़ो, मतलब माइंड तो रिलैक्स हो ही जाएगा, योर आउटपुट विल ऑल्सो बिकम डबल. आई कैन अश्योर यू दैट फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स. क्योंकि आप सब कुछ भूल जाते हो जब अपनी मम्मी के लैप में से रख देते हो ना, और आपके बालों पे वो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथ जब फेरेंगे. आई मीन आई एम रियली मिसिंग माई मॉम राइट नाउ. तो वो एक अलग ही लेवल है. तो प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ रहिए जितना भी बिजी है. अल्टीमेटली वॉट वी आर डूइंग इज़ फॉर आर फैमिली, राइट? इज नॉट फॉर ओनली आर सेल्स, इट्स फॉर आर फैमिली विच इज़ राइट नाउ विद अस और मे बी इन फ्यूचर. इधर आपने बिल्कुल सही बोला कि फैमिली एक सपोर्ट सिस्टम है और कई बार आपके डाउन मोमेंट्स आपको चीयर अप करती है. मुझे भी एक इंसिडेंट याद आ गया कि एक बार एग्जाम से एक वीक पहले का टाइम था और मैं एक दोस्त से बात करके हटा तो मेरे फादर ने पूछा कि क्या हुआ, तू बड़ा डाउन लग रहा है. मैंने बोला कि उसका ना सब कुछ कवर हो गया, मेरा तो अभी सारा पेंडिंग है. तो मेरे फादर ने बोला हंसते हुए कि ये वो ही जिसका लास्ट टाइम भी सब कुछ खत्म हो गया था लेकिन इसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी. तो चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं. वो छोटी सी उनकी लाइन ने मुझे एकदम चीयर अप किया और मैं पढ़ने बैठ गया. बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूरी है. मतलब इससे आगे हम क्या ही बोलें, जस्ट बी विद योर फैमिली. सर वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ लर्निंग एंड कवर्ड सो मेनी एरियाज, बट इफ देयर हैज टू बी वन लास्ट लर्निंग व्हाट विल बी इट? So the last learning which is very close to my heart is be humble in life. You might become very big in life, but the day you start thinking that I am what I am because I worked hard for it, I deserved it, your downfall will start. I am a firm believer that luck plays a very big role in your destiny. We are all just damn lucky to have all the resources at our disposal. अच्छा खासा घर, एक छत मिल जाती है, किताबें मिल जाती हैं, खाना मिल जाता है, सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है. बहुत लोगों के पास यही नहीं है, गाइडेंस नहीं है, किताबें नहीं है, घर नहीं है, एंड दे आर गोइंग टू लीड देयर लाइव्स फॉर द नेक्स्ट 30 years लाइक दिस ओनली. देर इज नो हेल्प टू देम टू गेट आउट ऑफ दिस. उनकी लाइफ इसी तरह चलेगी और हम बहुत लकी हैं उस मामले में. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दी हम्बलनेस दैट वी कुड ऑब्जर्व इन दिस वर्ल्ड कप इज वेन विराट कोहली वेंट विद द ट्रॉफी टू कोच राहुल द्राविड, एक्नॉलेजिंग हिज रोल इन दी होल थिंग. ऐसा नहीं है कि भाई मैं बड़ा प्लेयर हूं, मैंने 76 रन बनाए और मैंने जिताया. ही एक्नॉलेज दैट एफर्ट ऑफ कोच एंड आफ्टर दैट यू सी द रिएक्शन ऑफ राहुल द्राविड. आई मीन एनी 90s किड हु वुड हैव सीन द्राविड प्लेइंग वुड वाउच फॉर इट. यार द्राविड का ये रिएक्शन वुड बी टेलीकास्टेड ऑन टीवी फॉर इयर्स टू कम बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट ओरिजिनल राहुल द्राविड इज. दैट रिएक्शन वाज एक्चुअली द वेंट आउट ऑफ इमोशंस दैट वर पेंडिंग इनसाइड हिम सो लॉन्ग. और उसको भी बोलते हैं नेवर गिव अप. ना बंदे ने यार 2003 वर्ल्ड कप फाइनल आ रहा, साथ में राहुल द्राविड पहले ही बाहर हो गए, फिर वर्ल्ड कप ही नहीं खेला, फिर टेस्ट चैंपियनशिप शायद 2 बार हारे हैं द्राविड के अंडर या 1 बार, इन्होंने भी एज अ कोच फाइनल आ रहा. सो he was almost there to resign after the world cup, last chance, and now he along with his team made india proud. So never be thinking in life that main ye deserve karta hu, ye to mujhe milna hi tha. Failures aayenge, work hard, crack something big, but after that don't be arrogant, be just humble. Aur main ek last learning sir ye dena chahunga, jo kuch humne baat ki motivation, work hard, smart work, ye ek cheez hai yaar. लाइफ बहुत प्रेशियस है. मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा. मेरा एक दोस्त, डियर फ्रेंड ऑफ माइंड सर, लाइफ में ही वॉज सो एम्बिशियस, ही अचीव ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन लाइफ ही वॉन्टेड टू. मतलब बाकी तो गोल्स नहीं होते रहते हैं बट भगवान ने लाइफ ही ले ली उसकी. ही वॉज जस्ट 36 और 37. हुआ क्या कि बारिश हो रही थी, he went to the छत, मतलब टॉप, कुछ पानी की टंकी में प्रॉब्लम थी. ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व इट, ही स्लिप एंड ही नो जस्ट गॉट नो स्लिप और ऊपर इतने मंजिल से गिरा कि आफ्टर दैट ही वॉज नॉट लेफ्ट. और उनकी वाइफ प्रेगनेंट थी. सो लाइफ इज वेरी अनसर्टन, डोंट टेक अनड्यू प्रेशर. मैं ये नहीं कह रहा कि अब सब कुछ किस्मत पे छोड़ के बैठ जाओ, बट ज़्यादा टेंशन मत लो यार, ठीक है? अपना बेस्ट दो, जो होगा देखी जाएगी,
इवन इफ यू बिकम आरबी ग्रेट बी ऑफिसर देर इज नो गारंटी दैट यू वुड बी हैप्पी इन योर लाइफ. ठीक है, तो टेक ईजी, टेक इट ईजी, करनी है मेहनत बट अपने आप को काट कर नहीं, अपने दिमाग को फाड़ कर नहीं, बिकॉज दैट सक्सेस इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू और योर फैमिली. राइट सर, एंड सो सैड टू हियर दैट. एंड बट सर, ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जब लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तब थोड़े हम्बल रहो, एंड जब लाइफ डाउन चल रही है थोड़े स्ट्रांग रहो ताकि आप लाइफ को मैनेज कर पाओ, क्योंकि लाइफ कभी भी स्मूथ रहने वाली नहीं है. एंड दोस्तों, इससे हम पूरी वीडियो के फाइनल पे आ चुके हैं. एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सबने वर्ल्ड कप एंजॉय किया बट हमारी बहुत सारी लर्निंग्स रहीं. मैं आपको एक बार पूरी लर्निंग समराइज करना चाहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये रही कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. वी शुड नेवर गिव अप. सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो, हमें थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा और एक्स्ट्रा पेशेंस रखना चाहिए ताकि हम उस डिफिकल्ट सिचुएशन से डील कर पाएं. सेकेंड इंपॉर्टेंट लर्निंग ये थी कि सोसाइटी जो मर्जी बोले, लोग आपके बारे में जितने मर्जी ताने क्यों ना कसें, आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास रखना है और मेहनत करनी है ताकि आप लोग अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का जवाब दे पाए. एंड थर्ड लर्निंग वॉज दैट कि भाई अगर सेल्फ डाउट आए तो और मेहनत करो और वेट करो जहां पर आप खुद को साबित कर पाओ, अपनी कैपेसिटी को अच्छे से निभा पाओ. विराट कोहली का एग्जाम्पल बहुत बेस्ट था जो सर ने दिया हमें. एंड दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट लर्निंग कि हम्बल रहिए. ठीक है, लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं रहती है. आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है हाई नहीं रहना अपनी सक्सेस के टाइम पर और बहुत ज़्यादा लो नहीं रहना अपने फेलियर्स के टाइम पर. स्ट्रॉन्ग बनाइए खुद को. और अगेन, इंडिया एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल था, इंडियन क्रिकेट टीम एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल थी जिसने इतने सी सौ के बाद भी मतलब अपने पीक पर रहे, रैंक वन आए पूरे साल, दो साल में फिर टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, हार गए, फिर वर्ल्ड कप में 10 के 10 मैच जीते, पूरे हाई पे चले गए, ठीक है, फिर वर्ल्ड कप फाइनल हार गए. आप लोगों के साथ भी लाइफ में ऐसे ही होता है, इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाइए ताकि आप ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन से डील कर पाएं. दिस इज ऑल फ्रॉम अवर साइड. थैंक यू वेरी मच.